बताया जा रहा है। अब तक मणिपुर से यूपी के छात्र है 60 छात्र दिल्ली आए हैं। सभी छात्रों को एयरपोर्ट से यूपी भवन लाया गया। मणिपुर से लौटे छात्रों ने सरकार को धन्यवाद किया है। दिल्ली से अपने अपने घरों के लिए छात्र रवाना होंगे। इन्हें यूपी भवन लाया गया है एयरपोर्ट से। छात्र जो है 60 छात्र को मणिपुर से दिल्ली लाया गया है। हिंसा में फंसे छात्रों को लेकर यूपी सरकार संजुदा। यूपी के छात्रों को मणिपुर से दिल्ली लाया गया है। अब तक मणिपुर से यूपी के 60 छात्र दिल्ली आए हैं। सभी छात्रों को एयरपोर्ट से यूपी भवन लाया गया। मणिपुर से लौटे छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। दिल्ली से अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे सभी छात्र। कॉलेज है वहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। हम लोग वैसे वहाँ पे जो दंगे चल रहे थे तो हम लोग उसमें फंसे हुए थे। धारा 144 लागू था और हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे। हमने एक बार कॉन्टैक्ट किया सरकार को कि ये स्थिति हो रखी है, तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत अपने मतलब कि मणिपुर गवर्नमेंट से बात की और हमारे लिए बसेज आई और हमको तुरंत सीधा वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया। संवाददाता पुष्कल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। पुष्कल, ने के मणिपुर हिंसा में फंसे 60 छात्रों को वहां से निकाल करके दिल्ली के यूपी भवन में रखा गया, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से छात्र अपने अपने घर को रवाना होंगे? देखिए, मणिपुर से जो छात्र फंसे थे उनको दिल्ली लाया गया है। यूपी सरकार इसके लिए काफी तत्पर है, संजीदा है और साफ तौर से दिल्ली में उन्हें यूपी भवन लाया गया है। करीब 7 छात्र हैं जिन्हें दिल्ली लाया गया है और जिस तरह की मणिपुर में हिंसा हुई थी, योगी सरकार ने भी अपने छात्रों को, अपने राज्य के छात्रों को बुलाने का प्रबंध किया था और उन्हें दिल्ली लाया गया है। अब यूपी भवन से उन्हें अपने जो जगह है उत्तर प्रदेश में उन्हें वहाँ भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्र जो यूपी भवन में स्टे किए हुए हैं और थोड़ी देर में अब उन्हें यूपी के तमाम शहरों में भेजा जाएगा जहाँ जहाँ उन छात्रों का घर है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पुष्कल। और मथुरा में बिना अनुमति निकाली जा रही है रैली। पुलिस ने रैली रोकने पर किया पथराव।